हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर वन फार्मेसी चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 1.4 कनेक्टेड टिश्यू स्पेशलाइज्ड जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे तो देखिए सबसे पहले देख लेंगे बोन्स के रिगार्डिंग स्पॉन्ची एंड कॉम्पैक्ट बोन देख लेंगे देन कार्टिलेजेस इलास्टिक कार्टिलेज एंड हाइलिन देख लेंगे डिटेल में एंड देख लेंगे ब्लड देखिए हम देख लेते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी कनेक्टेड टिश्यू स्पेशलाइज जिसमें सबसे पहले देख लेते हैं बोन सो देखिए बोन को हम अच्छे से करेंगे अपनी आने वाली स्लाइड में जो हम ह्यूमन अनाटमी या फिजियोलॉजिकल लेक्चर डालेंगे बट इसमें आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं क्या होती है बोन हार्ड कैल्सिफाइड मैट्रिक्स कंटेनिंग मैनी कोलेजन फाइबर वेरी वेल वस्कुलराइज तो एक तरह जैसे ये एक तरह का हार्ड कैल्सिफाइड मैट्रिक्स होता है जिसमें बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं एंड वेरी वेल वस्कुलराइज होती है सो देखिए टू पार्ट्स होते हैं इसकी स्पॉन्जी बोन

साइट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन देन फिर क्या लोकेशन कहाँ होती है इसकी स्केलेटन में पाया जाता है देन देखिए टू टाइप्स की बोन होती है स्पॉन्जी बोन एंड कॉम्पैक्ट बोन सो इन दोनों के बारे में हम देखते हैं अच्छे से डिटेल में देखिए देख लेते हैं स्पॉन्जी बोन्स के बारे में क्या होती है स्पॉन्जी बोन ऑल्सो नोन एज नोन एज कैन सेलस बोन और ट्रेबिकुलर बोन तो इन दोनों के नाम से भी इनको जाना जाता है तो प्लीज इसे भी आप याद रखें बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है इज अ वेरी पोरस टाइप ऑफ बोन फाउंड इन एनिमल्स तो देखिए जैसे इसके नाम से आपको पता चला होगा स्पॉन्जी बोन है तो हाईली पोरस बोन होती है जो कि एनिमल्स में पाई जाती है इट इज़ हाईली वस्कुलराइज एंड कंटेन रेड बोन मैरो बहुत सारे वेसल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें और यही ये कंटेन करती है रेड बोन मैरोन फिर क्या होता है स्पॉन्जी बोन इज यूजेटेड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स तो स्पॉन्जी बोन जो है बेसिकली एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स पे प्रेजेंट होती है लॉन्ग बोन्स के एंड पे प्रेजेंट होती है विद द हार्डर कॉम्पैक्ट बोन सराउंडिंग और जो हार्डर कॉम्पैक्ट बोन होती है वो सराउंड uh, करती है स्पॉन्जी बोन को देखिए देख लेते हैं कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है ऑल्सो कॉल्ड एस कॉर्टिकल बोन और डेंस बोन तो इसको कॉर्टिकल बोन और डेंस बोन के नाम से भी जाना जाता है इन विच द बोनी मैट्रिक्स इज सॉलिडिफाई फिल्ड विद ऑर्गेनिक ग्राउंड सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट सो देखिए ये जो बोनी मैट्रिक्स होता है कॉम्पैक्ट बोन का ये किसका मिलकर बना होता है बताया गया आपको ऑर्गेनिक ग्राउंड सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट का मिलकर बना होता है हाईली कॉम्पैक्ट होता है लिविंग ओनली टाइनी स्पेस तो देखिए सिर्फ छोटे छोटे स्पेस छोड़ता है ये दैट कंटेन ओस्टिड और बोन सेल्स और इन छोटे छोटे स्पेस में क्या प्रेजेंट होते हैं ऑस्टियोसाइड्स एंड बोन सेल प्रेजेंट होते हैं सो so ये था कॉम्पैक्ट बोन के बारे में नॉक कनेक्टेड टिश्यू स्पेशलाइज में सेकंड कैटेगरी आती है ब्लड की तो देखिए ब्लड को भी हम अच्छे से कवर करेंगे अपने आने वाली स्लाइड्स में इसमें आपको ब्रीफली बता देते हैं क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल्स इनअ्लूड मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं इसमें तो अगर हम देखें देखिए इसमें रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होती है ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होती है प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं एंड प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं तो ये फोर टाइप्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इसको हम डिटेल में देखेंगे अपने आने वाली स्लाइड्स में देन uh, फंक्शन क्या होता है इसका ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेज न्यूट्रिय वेस्ट एंड अदर सब्सटेंस लोकेशन क्या होती है इसकी इन द ब्लड वेसल्स देखिए कनेक्टेड इश्यू स्पेशलाइज में थर्ड कैटेगरी आती है कार्टिलेज़ की तो इसमें इसमें भी थ्री सब टाइप्स होते हैं पहला सब टाइप देख लेते हैं हाई कार्टिलेज डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसकी सो अमॉर्फस बट फॉर मैट्रिक्स होता है इसका देखिए इस तरह का मैट्रिक्स इस तरह का तरह का होता है हाई कार्टिलेज जिसमें अमॉर्फस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रोब्लास्ट प्रोड्यूस प्रोड्यूस द मैट्रिक्स एंड वेन मेच्योर लाइ इन लैक नहीं तो देखिए इस तरह के कॉन्ट्रोब्लास्ट ब्लास्ट होते हैं जो ये प्रोड्यूस करते हैं इस तरह का मैट्रिक्स और जब ये कॉन्ट्रोब्लास्ट स्ट मैच्योर हो जाते हैं तो ये इस तरह का देखिए लेक्यूने में चले लेक्यूने फॉर्म कर देते हैं तो फिर क्या होती है देखिए इसके फंक्शन देख लेते हैं सपोर्ट एंड रेन फोर्स इसका फंक्शन होता है बेसिक फंक्शन होता है इसका सपोर्ट करना रसिस्ट कम रसिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस तो जी किसी तरह की कि अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस है बॉडी में तो उसको रजिस्ट करना इसका फंक्शन होता है लोकेशन का होती है इसकी फॉर्म मोस्ट ऑफ द एम्ब्रोनिक स्केलेटन तो एम्ब्रोनिक स्केलेटन में प्रेजेंट होता है ये देखिए जो एम्ब्रोय होते हैं उनके स्केलेटन में कार्टिलेज और कार्टिलेज ऑफ नोज तो ये इन ये सारी इसकी लोकेशंस होती हैं हाइलिन कार्टिलेज की देखिए कनेक्टेड टिश्यू स्पेशलाइज़ में देख लेते हैं हम इलास्टिक कार्टिलेजेस क्या होते है देखिए डिस्क्रिप्शन में इसकी सिमिलर टू हाइलिन कार्टिलेज बट मोर इलास्टिक फाइबर इन मैट्रिक्स तो देखिए हाइलिन जो अभी हमने देखा था हाइलिन कार्टिलेज उसकी तरह ही होता है इसका भी मैट्रिक्स बट मोर इलास्टिक होता है क्योंकि इसमें इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं फंक्शन क्या होती है इसकी मेंटेन द शेप एंड अलाउ फ्लेक्सीबिलिटी शेप एंड फ्लैक्सिबिलिटी को मेंटेन रखता है ये फंक्शन का लोकेशन कहा होती है देखिए ये एक्सटर्नल ईयर पिन्ना में पाया जाता है इलास्टिक कार्टिलेज फाइबर

होता है तो अगर बॉडी में किसी तरह का शॉक लगता है किसी तरह की इंजरी होती है तो उस शॉक को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है कार्टिलेज में लोकेशन कहाँ होती है देखिए इसकी इन इनवर्टिब्रल डिस्क में एंड डिस्क ऑफ नी ज्वाइंट तो देखिए ये था कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा समझ आया होगा अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे देवे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं अपने डाउट्स सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूमन एनाटमी एंड फिजोलॉजी चैप्टर 1.5 पॉइंट फाइव मस्कुलर टिश्यूज सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को नीचे लटक का सब्सक्राइब बटन दिया होगा उस पर क्लिक करके आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो में